बॉलीवुड को रूल करने वाले वन ऑफ द खान है शाहरुख खान। रोमांस किंग, बादशाह, किंग खान, जो भी नाम दे वो सुपरस्टार खान के लिए कम ही है। डिंपल वाली स्माइल और सबको फिदा कर देने वाली बातें, एसआरके जैसा चार्म किसी के पास नहीं है। लेकिन विद स्टारडम कम्स कंट्रोवर्सीज, तो आज हम इसी स्टार के कुछ शॉकिंग कंट्रोवर्सीज से वाकिफ करवाते हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। शाहरुख खान को कई बार स्मोकिंग करते हुए देखा है, लेकिन जब उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया स्मोक, तब उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई थी। सुनील गवास्कर और कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान के बीच हुई थी वॉर ऑफ वर्ड्स। सुनील गवास्कर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच के बारे में भला बुरा कह दिया था। साल 2009 में एसआरके को न्यू जर्सी के एयरपोर्ट में डिटेन किया गया था, वो भी 2 घंटे के लिए, बिकॉज ऑफ हिज सरनेम खान। शाहरुख खान को एक बार और एयरपोर्ट पर इसी वजह से 2 घंटे के लिए रुकाया गया था, जब वो अंबानी के साथ अमेरिका गए थे। और इस बार एसआरके ने मजाक में कहा, व्हेनेवर आई स्टार्ट फीलिंग टू एरोगेंट आई ऑलवेज टेक अ ट्रिप टू अमेरिका, द इमिग्रेशन गाइज किक द स्टार आउट ऑफ स्टारडम। एसआरके को रिसेंटली सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने भी किया था स्लैम, ये कहते हुए कि एसआरके ने उन्हें ड्यू क्रेडिट नहीं दिया फॉर द फिल्म्स मेहूना एंड ओम शांति ओम। और ये भी कहा अभिजीत ने कि एसआरके को उनसे माफी मांगनी चाहिए। शाहरुख खान ने अभिजीत के स्टेटमेंट के जवाब में कहा, इजंट इट अ कोइंसिडेंस दैट हूएवर डजंट वांट टू वर्क विद मी बिकम्स फेमस। संजय दत्त के अग्निपथ फिल्म के बैश में शाहरुख खान ने किया था फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर को असॉल्ट, और संजय दत्त को इंटरफियर करना पड़ा था टू स्टॉप द फाइट। एसआरके के इस बिहेवियर से नाराज थी फराह खान। उन्होंने किंग खान के खिलाफ कहा, शाहरुख खान हैज ऑलवेज टोल्ड मी दैट फिजिकल अब्यूज इज द वर्स्ट वे टू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम एंड दैट इट मींस द पर्सन हु इज हिटिंग हैज ईदर अ पर्सनल और प्रोफेशनल क्राइसिस गोइंग ऑन एंड इट सैडन्स मी टू सी हिम डूइंग द सेम। आमिर खान से एक बार एसआरके को एयरपोर्ट पर डिटेन करने के बारे में पूछा गया था, तब इनडायरेक्ट टोन मारते हुए उन्होंने कहा, आई हैव नेवर फेस्ड सच प्रॉब्लम। वहीं एक बार आमिर खान ने एसआरके को कुत्ता कहा। आमिर का स्टेटमेंट था, शाहरुख इज लिकिंग माय फीट एंड आई एम फीडिंग हिम बिस्किट्स एवरी नाउ एंड देन, व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर। नाउ बिफोर यू जंप टू एनी कंक्लूजंस लेट मी ऐड दैट शाहरुख इज द नेम ऑफ आवर डॉग एंड बिफोर यू जंप टू एनी फर्दर कंक्लूजंस लेट मी ऐड दैट आई हैड नथिंग टू डू विद नेमिंग हिम, इन फैक्ट शाहरुख इज द डॉग ऑफ द केयरटेकर्स ऑफ आवर हाउस। बीच में खबरें ये आई थी कि शाहरुख खान और वाइफ गौरी खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और ये अनुमान इसलिए लगाया गया था क्योंकि गौरी काफी टाइम तक कोलकाता नाइट राइडर्स को चीयर करने स्टेडियम में नहीं आई थी। बिग बी और अमर सिंह के खिलाफ गए थे किंग खान। एक इवेंट में बिग बी और अमर सिंह को फ्रंट रोज में सीट नहीं दिए गए थे, लेकिन एसआरके ने इन स्टार्स का साथ ना देकर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को किया था सपोर्ट। फैमिली मैन एसआरके फंस गए थे एक लिंकअप रूमर में, जब उनका नाम जोड़ा गया प्रियंका चोपड़ा के साथ। साल 2008 में एसआरके ने लिया था पंगा सलमान खान से। कटरीना कैफ के बर्थडे के टाइम एसआरके ने सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ इनअप्रोप्रिएट कहा, जिसके बाद इन दोनों स्टार्स के बीच हुई बहस और हाथापाई। इस इंसिडेंट के बाद सलमान ने एसआरके के बारे में कहा, एसआरके एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स। वही एसआरके ने कहा, सलमान एंड आई डोंट टॉक व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि सलमान को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने उनकी फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में कैमियो करने से मना कर दिया था, जबकि सलमान ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा रोल उन्हें ऑफर ही नहीं किया था। 2011 में कॉफी विद करण में शाहरुख खान ने मांगी माफी सलमान खान से और कहा, इफ सलमान इज एंग्री विद मी इट इज 100% माई फॉल्ट, लेकिन सलमान ने इसे महज टीआरपी का स्टंट बताया। सलमान ने शाहरुख खान के लिए एक बार कहा था, शाहरुख वॉज लाइक माई ब्रदर, ही यूज टू कॉल मी सर सर ड्यूरिंग हिज स्ट्रगलिंग डेज।
फिर मुकेश अंबानी के बैश में सचिन तेंदुलकर को ऑनर करते हुए और साथ ही एसआरके को टॉन करते हुए सलमान ने कहा था, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और ये डॉन नहीं मैं बोल रहा हूँ। और इसके रिप्लाई में एसआरके ने कहा, आई गेट नम बाय द काइंड ऑफ स्टोरीज आई कीप हियरिंग अबाउट माई सेल्फ, आई ट्राई नॉट टू टेक देम सीरियसली और कमेंट अबाउट देम। एसआरके को वानखेड़े स्टेडियम से कर दिया गया था बैन क्योंकि उन्होंने किया था स्टेडियम में मिसबिहेव। शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान भी पड़ चुकी है मुसीबत में। उनकी फिल्म की रिलीज को स्टॉप करने की धमकी दी थी शिवसेना के मेंबर्स ने, और वो भी इसलिए क्योंकि एसआरके ने कहा था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग के थर्ड सीजन में पार्टिसिपेट करें, और इस बात ने काफी बवाल क्रिएट किया। शाहरुख खान ने इस बात पर रिएक्ट भी किया और कहा, सैट माई स्टेटमेंट्स आर सीन एज अ स्टैंड अगेंस्ट अ ग्रुप इंस्टेड ऑफ अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड माई इंडिविजुअलिटी। Differences in ideology should be grounds for debates and discussion, a must for freedom of thought. To see it any other way is so unfortunate. एसआरके ने एक बार कहा था, I sometimes become the inadvertent object of political leaders who choose to make me a symbol of all that they think is wrong and unpatriotic about Muslims in India. I have been accused of bearing allegiance to a neighboring nation rather than my own country. और इस बात का रिप्लाई लश्करे तैयबा फाउंडर हफी साइद ने दिया एसआरके को और कहा कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं अगर उन्हें इंडिया में इनसिक्योर फील होता है तो, और कि उन्हें पाकिस्तान में बहुत फ्रीडम मिलेगा। जब खबरें आई थी कि एसआरके और गौरी खान थर्ड बेबी सरोगेसी के थ्रू करने वाले हैं, तब कहां ये गया था कि दोनों सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए गए थे जो कि इलीगल है, और इनके खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू द एलिगेशंस। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि जब केआरके ने ये ट्वीट किया था कि वो इंडिया छोड़ देंगे अगर मोदी जी पीएम बन जाते हैं, तब लोगों ने ये समझा कि ये बात एसआरके ने कही और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए काफी था, और इस बारे में एसआरके ने बाद में रिएक्ट भी किया था। फिल्म चलते चलते के सेट पर जब शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के बीच एक सीन शूट हो रहा था, तब सलमान ने सेट पर आकर बहुत पंगा क्रिएट किया, जिसके बाद गुस्से में आकर एसआरके ने ऐश्वर्या को रिप्लेस ही कर दिया। डर्टी लॉन्ड्री नाम के शो में प्रियंका एक जैकेट पहनकर गई थी और उस जैकेट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा था कि वो जैकेट उनके एक्स बॉयफ्रेंड का है, और ताजुब की बात है कि ऐसे सेम जैकेट एक बार एसआरके को पहनते हुए देखा गया था, और इस बात से ये खबरें फैली कि पीसी ने एसआरके के साथ के रिलेशनशिप को कंफर्म कर लिया है। मजेदार खबर एसआरके के बारे में ये भी फैली थी कि एसआरके और करण जौहर गे है और कि इनके बीच चल रहा है एक अफेयर। वेल, शाहरुख खान और उनकी बेस्ट फ्रेंड काजोल के बीच भी हुई थी तकरार बिकॉज ऑफ द फिल्म जब तक है जान। ये फिल्म क्लैश हुई थी सन ऑफ सरदार के साथ और इस क्लैश ने पर्सनल रिलेशनशिप को भी खराब कर दिया था। एकता कपूर ने अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की फेल होने की वजह एसआरके को बताया। उनके हिसाब से एसआरके की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने सबसे ज्यादा स्क्रीन्स ले ली थी, जिस वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म डर के सक्सेस के बाद सनी देओल ने ये खुलकर कह दिया था कि यश चोपड़ा ने जानकर एसआरके को मीटियर रोल दिया और इस वजह से इनके रिश्ते में खटास की बातें भी सामने आई थी। वेल, एसआरके के इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में जानकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर बताना ना भूले। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।